করোতি বাচালম লঙ্ঘয়তি বিদিন যৎকৃপাতম বন্দে শ্রীগুরু দীনকারুণ পাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ আজাদুরমিতভুজ কনকাবদাত সংকীর্তনৈকপিতর কমলায়তাসু বিশ্বম্ভর বিজবর যুগধর্মপাল বন্দে জগৎপ্রিয়কর করুণাবতার নমো মহাবদন্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরকিশে নমো হে কৃষ্ণ করুণাসিংহ দীনবন্ধো জগৎপতি তমালবর্ণং সুহিতাবতারম
अपार संसार समुद्र से तू भजामहे भागवत स्वरूपम् यस्वानुभावम् अखिल सुतिसारम् एकं मध्यात्मदीपम् पतितीर्षदान्तमन्धम् संसारीनं कुरुनयाः पुराणपूज्यं तं व्यासशूनुपजामि गुरु विदहरा नेमी नवे जगेंद्र को पूछे थे धर्मान भागवत हमको देखना भी चाहिए धर्मान भागवतान दूत यदि न स्वीकारी खो जो प्रसन्न उपन्याय दासती आत्माना होगी हो जा पहले पूछे ये मेरा सबसे अत्यंत मंगल क्या है पाता जी कौन बताने वाला है ये ज्ञान भी उनको थे इसीलिए कहते हैं संसारे उसमें खोना जो भी सत्संग शिवजी मिलना यही संसार में एक क्षण आधा क्षण का लिए भी यदि सत्संग हो जाए ये तो कुबेर का जो निधि सबसे श्रेष्ठ मूल्यवान कीमती रत्न है उससे भी ज्यादा बल्कि मानना चाहिए सत्संग इतना दुर्लभ आधा घंटे के लिए होने से भी कहे को आधा घंटे के लिए यहाँ पर कहे ना आप लोग जैसे हैं जैसे साधु है इस साधु को हमारा बहुत भाग से मिला प्राप्त करना बहुत कठिन है क्योंकि कब तक आप यहाँ रहेंगे मेरे पास ये तो मैं नहीं जान पाए आप जब इच्छा करेंगे तब ही चले जाएंगे आपको रखने का किसी को भी ताकत नहीं है इसीलिए हम कहते हैं यद्यपि आपको हम मिले आपको मिल गया तथापि कब तक आप लोग रहेंगे तो कोई फिक्र नहीं है हम बोले से भी आप नहीं रख रहे हमारा इतना ताकत नहीं है कोई का उधिन नहीं है मुआ के पतित आदमी हो हम आपको कैसे बलेंगे बलाकेंगे कैसे जरा से आधार खंड के लिए भी यदि आप लोग यहाँ रहेंगे तो हम क्या आप लोग से लेना उचित है समझेंगे इसीलिए हम बोलते हैं आप लोग जैसे हैं ऐसे वस्तु सबसे जो श्रेष्ठ है ये मैं तो नहीं जानते हैं
आप लोग जानते हैं मेरे लिए क्या है, सबको के लिए क्या शिष्ट वस्तु है, तो आप लोग बता नहीं सकते हैं। दूसरे आदमी का ताकत नहीं है, इसीलिए हम पूछते हैं सत्संग जो है, जो हमारा परम मंगल है वह बताइए। दुनिया में कोई कुछ भी पूछा जाए, सब पूछा जाए यदि क्या है थोड़ा सबसे अच्छा है, तो जो जो बोलेगा तो प्रकृति पक्ष अच्छा नहीं है। राजा बनने से सुख है, स्वर्गम में जाने से सुख है, अच्छा है, मुकाम बनने से रुपया पैसा लड़का वगैरह ऐसा हम लोग जानते हैं अच्छा है, लेकिन वास्तव में अच्छा जो है उसको धारणा हम लोग का है ये आप ही लोग जानते हैं, इसीलिए हम आप ही लोग से यही पूछने चाहते हैं। और क्या बोले, भगवान भागवतान गुण जितिन सुतय क्षम, भागवत धर्म सुंग जो है वो कृपा करके आप बताइएगा, ये आप लोग से सुनने चाहते हैं। फिर भी कहते हैं जितिन सुतय क्षम, हम चाहने से ही आपसे वो उत्तर मिलेगा नहीं, यदि आप हमको को समझे तब ना आप कहेंगे। एमए क्लास में जैसा ज्ञान होता है हमको बताइए तो किसको बताया जाएगा, तो यदि प्रथम द्वितीय श्रेणी को श्रेणी का छात्र ऐसे पूछे अरे बुद्धू कहाँ का तुम दूसरे के क्या करेगा। भागवत धर्म सुनने का जरूरी है, हम लाए तब हमको बताइए। देखिए कितना सबसे ऊंचा ऊंची चीज है भगवान से बाहर के आकर वस्तु श्रेष्ठ है। भगवान को प्राप्त करना ये सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सब कोई का अधिकार रहने से सब तो उसको बोला जाएगा। हम लोग का क्या अधिकार है, हम पूछने से हमको क्यों आप बताएंगे। हम लोग को पूछने का अधिकार होने से तब ना आप लोग खुश होकर बताएंगे। तो समझिए हम लोग इसमें चित्त आविष्ट किए हैं, हम लोग का कौन चीज में मन बुद्धि इतना लग गया है, हम लोग क्या वो चीज को छोड़ने चाहते हैं कोई। तो हमको आप क्यों बताएंगे, यदि ना सुख क्षम, यदि आप हम सुनने का लायक समझे आप, विदराज ने भी अजीब को बोल के अपना को मानते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे क्या युद्ध हुआ बन गए। भगवान को हम लोग सच पाने का सच उनको प्राप्त करने के लिए हम लोग का मन बुद्धि ऐसे चाहते हैं, उनको ना पाने से हम मर जाएंगे ऐसी हमारा विचार हुआ। नाजीबामी त्वांग बिना हम लोग मुंह में बोल सकते हैं, तुम्हारे करुणा ना होले कांदिया कांदिया प्राण ना रखी गो, ये बोलना कुछ सहज है।
কিন্তু এইসব হৃদয় যে এইসব ঠিক ঠিক বলতে নেই, সাচ চাতে হি উসকো বরাবর যদি হামরা ভি চাত হম মেয়ে ভি চাতা হুম তব না হমকো বলেঙ্গে হম লোক ভগবান কো চাতে হি ইতনা কোশিশ করতে হি হম লোক কিস লিয়ে उसको भगवान के लिए नहीं, भगवान के चाहते हैं। काहे को ना हम लोग कोशिश करते हैं जो चीज के लिए वो चीज हमारा मिलना कठिन है, लेकिन भगवान को पाने से भगवान हमको दे सकते हैं, इसलिए हम भगवान को चाहते हैं। भगवान को हम लोग चाहते हैं इसलिए उनसे हमरा जो जो चीज हम सबसे प्यार करते हैं उस चीज को प्राप्त करेंगे, वो दे सकते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं। तब यदि भगवान आ जाए तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा बड़ा बड़ा भाग हुआ है, हमको ऐसे ऐसे वस्तु हमको दे दे। अरे तुम तो वस्तु हमसे लेना चाहते हो, हमको लेकर तो क्या और दूसरा कोई थोड़ा प्रयोजन है नहीं, नहीं उनसे हम तो ऐसा नौकर को पास से जैसा का काम करा लेते हैं, ऐसा ही हम तुमको तुमसे ऐसा कराए लेते तो बड़ा अच्छा वक्त हो गया। तो रुपया पैसा देव मुकाम देव घर बाड़ी गाड़ी शरीर ठीक रखो, कोई ना मर जाए, नरक में ना जाने पड़े, ऐसा सब कुछ करो। तो ऐसा जो भक्ति है ये वास्तव में भक्ति नहीं है, तो क्या किस लिए तब जाएंगे? तुम जो चीज हमसे चाहते हो उस लेकर के क्या करेगा? तुम बच्चा लेकर क्या करेगा? विषय संपत्ति लेकर क्या करेगा? वैसे हमको वैसा ले वो लेके क्या होगा तुमको, वो तुमको लेके क्या करेगा? वो हम नहीं चाहते। हमारा जो बच्चा है वही को हम प्यार करते हैं तुमसे ज्यादा, तुमको हम वैसे प्यार नहीं करना चाहते। हम लोग का भक्ति भक्ति नहीं है, वास्तव में हम लोग भगवान को नहीं चाहते हैं। देखिए कितना परिश्रम हम लोग कर रहे हैं जिसको हम लोग घर में प्यार करते हैं, उन लोग वो लोग कहीं जैसे अच्छा हो जाए, इसीलिए भगवान से हम लोग चाहते हैं, भगवान दे देते हैं। फिर हम लोग को भगवान माना तो जरूरी नहीं है, वो आवश्यक नहीं है, लेकिन जो भक्त है वो कोई चीज को नहीं चाहते हैं। भगवान यदि कहे मैं संतुष्ट हुआ है तुम क्या चाहते हो बताओ हम सब देंगे, वो बोलते नहीं हम तुमसे क्या चाहिए, हमारा कुछ जरूरत नहीं, तुम किससे खुश हो जाओ जाएगा बताओ हम ऊर्जा करेंगे, तुम्हारा संतोष जिसमें होगा हमको बताओ हम तुमको खुशी करेंगे, क्या देगा हमको कुछ उनका रोज रोज होता है।
একটু সাধারণ কাজ, যেটা এডুকেশন। এডুকেশন বললে সে খাস করকে তো বিশেষ জ্ঞান কো নেই কাজ যাতা সবই জ্ঞান কো দূষণ শিক্ষা মিলতি হয় স্কুল কলেজ মে কিছু গ্রহণ লোক সমস্ত এইসব ভক্তি করলে সে লেকিন এই ভক্তি কা অন্তর মে জিন্না এডুকেশন কা অন্তর মে কিতনা বৈশিষ্ট্য হয় কিতনা ফরাক হয় লোয়ার ক্লাস কা জ্ঞান এডুকেশন হায়ার ক্লাস কা এডুকেশন আর কিতনা কিসিম কিসিম কা বস্তু কা বিভাগ হয় এই ভক্তি কা অন্তর মে সব কোই কোই ইনক্লুড কিয়া গিয়া इसीलिए कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा योग मिश्रा प्योर अमिश्रा शुद्धा यही भक्ति का विशेषण हम लोग जानते हैं। हम लोग ऐसे जो वस्तु पाने का लिए भोग करने का लिए उसके पूजन करते हैं, उनको सेवा करते हैं तो वो बहुत भक्ति है, लेकिन वो शुद्धा भक्ति नहीं है, सबसे अच्छा भक्ति नहीं है। जो हम तो चाहता नहीं उनको, उनसे हम चाहते हैं भोग के भोग की चीज पुण्य देने के लिए। कृष्णा यदि सुखे भक्ते भक्ति मुक्ति दिया प्रभु भक्ति नहीं दें राखे जीता दिया। वास्तव में भक्ति का फल क्या है? भगवान को वशीभूत कर, भगवान वशीभूत हो जाते तो हम लोग उसको धारणा नहीं कर पाते भक्ति क्या है। हम लोग कुछ बात करने का लिए उनको कुछ पूजन करना प्रार्थना करना स्तव स्तुति करना चढ़ाना उनको सेवा में उसको ही भक्ति बोलते मानते। ये भक्ति से क्या होता है, हम लोग जो जो वस्तु कामना करते हैं भगवान हमको, लेकिन वो जो वस्तु चीज हम चाहते हैं वो चीज दुख तो देने वाली ये हमारा ज्ञान नहीं है। नाश वाली चीज है और दुख देने वाली चीज है, जब पाएंगे तब हमको दुख शुरू हो जाएगा, उद्वेग शुरू हो जाए। अरे भगवान को मिला सबसे अच्छा चीज हम पा सकते हैं उससे, उनको सबसे ऐसा दुख जैसा होता है ऐसा चीज हम कर ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कोई बुद्धिमान आदमी ऐसा वस्तु मिलने से हम लोग का केवल दुखी है ऐसे ज्ञान उसको हो जाता है। पत्नी को लिए लड़का को लिए धन संपर्क के लिए मौका को लिए जो जो चीज हम लोग पाने से सुखी होंगे बोलते विचार करते हैं, एक चीज से कोई सुख नहीं होता है। ये ज्ञान हम लोग का है नहीं, इसलिए हम लोग उसको चाहते, किंतु ज्ञानी लोग इसलिए तो बोला जाता है
जिसको मालूम हो जाए ये इसे छूट नहीं है जो केवल दुखी है वो नहीं चाहते, वो बोलते हम इससे छुटकारा चाहते, हम इस संसार में जलते हैं, ये जलन है, ये हम नहीं चाहते हैं। आज हमारा ज्ञान हो गया, हमको इसे छुटकारा दो, जैसे हमको इस वस्तु को साथ और संबंध ना हो ऐसा हाल हमारा कर दो। ज्ञानी ऐसा चाहते, वो भी भगवान को प्यार नहीं करते, भगवान से अपना सुख। हम लोग ऐसा चीज में आसक्त होकर दुख होगा नहीं जानते हैं तो इसीलिए चाहते हैं। उसको ज्ञान हुआ है कि इसमें कभी सुख नहीं होता है, दुख है, इसलिए वो भी नहीं चाहते। कहे को ऐसा क्या होता है क्या? चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा करके दे इतना बुद्धिमान होगा कि भी हम लोग का समझ में आपका इतना जन्म इसी कर्म में हम लोग कष्ट पाते हैं तो भी इसका हम लोग अच्छा बुद्धिमान। और जिसका जिसको ज्ञान कहा जाएगा उसको मालूम हो गया है ये दुनिया से संबंध करने से ही दुख है, उसको देने से वो नहीं चाहते। वो बोलते हैं हमको इससे छुटकारा दो, ये दुनिया में इसी को साथ संबंध जैसे हमारा नाम हो जाए ऐसा हमको मुक्ति दे, वो मुक्ति चाहते। योगी भी ऐसा ही मुक्ति चाहते हैं, वो भी भगवान को नहीं चाहते हैं। और सिद्धि नाना बहुत से जो है उसी के फेर में वो लग गया, लेकिन भगवान को कोई नहीं चाहते। भगवान के चाहे क्या करेंगे, भगवान यदि आ जाए बताइए हम क्या करेंगे? जतन करके घर में ले जाएंगे लेकिन क्या करेंगे? अरे बाबा हमारा लड़का लड़की ये लोग को लेकर हम तो जेलबाड़ हो गया, तुम उसके ऊपर फिर आ जाओ कितना तकलीफ करेंगे। ठाकुर जी का सेवा हम चाहते हैं, अरे हम पति को सेवा, पत्नी को सेवा, लड़का लोगों को सेवा, गायिका को सेवा, इतना इतना सेवा करते करते तो और हमारा इतना कष्ट होता है, इसके ऊपर तुम यदि आ जाओ तो हम क्या करें? और अंदर से हम लोग भगवान की सेवा चाहते हैं, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमको करना ही पड़ेगा, ऐसे दिमाग हम लोग का है कि ये करते करते तो हम हैरान हो जाता है। अब तुम यदि हमारा पास आ जाओ तो हम क्या करेंगे? तब
भगवान की सेवा करने का है गुरु जी, हम इसलिए करते हैं। कैसे करते हैं? वो एक तुलसी पत्ता दे करके एक मंदिर भर के बस छोड़ देते, बस इतना हो गया है काम। गृहस्थी आदमी कितना है दिन भर करने से हमारा काम कौन करेगा? ऐसे ठाकुर सेवा बेकार है। वो ठीक से प्यार से हम लोग करते हैं, भक्त लोग ऐसा करते हैं, मन प्राण सब दे करके उनको सुख जैसे हो ऐसे चेष्टा करते हैं। हम लोग मन प्राण देते हैं पत्नी को, लड़का को, दूसरा जो आत्मीय स्वजन है वो लोग को भगवान को देंगे हम कहाँ से? समय कहाँ है? और भगवान तो हमारा अच्छा नहीं लगते, ये लोग तो अच्छा नहीं लगते, क्या ना हमारा सुख ये लोग देते हैं। भगवान क्या सुख देंगे? वो तो चुपचाप खड़ा रहेंगे और भोजन करेंगे, हमको क्या सुख देंगे? इसीलिए हम लोग भगवान को नहीं चाहते हैं वास्तव में। भगवान यदि हमको कुछ अच्छा काम कर दे जैसे नौकर करे तब हम भगवान को प्यार करें। हम लोग भगवान को भी नौकर जैसा हमारा काम करे वैसा यदि कर दे तब हम प्यार करें। लेकिन शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं? वैसे नहीं, उल्टी हम ये लोग को सब छोड़ देते हैं, ये हमारा जरूरत नहीं है। नो धनम नो जनम नो सुंदरी कवितां वा जगदीश कामं दारा पुत्र दिले यदि तुम्हार मिले तेरे नाम प्रभु तेरे नाम। तो हम लोग किसको छोड़ते हैं? ये लोग को कैसे छोड़ेंगे? पत्नी को कैसे छोड़ेंगे? लड़का को कैसे छोड़ेंगे? मकान को कैसे छोड़ेंगे? इतना विषय संपत्ति को कैसे छोड़ेंगे? समझे हम लोग कैसे भक्ति करते हैं? तो ऐसे भक्ति जो है ये भक्ति भगवान को ये भक्ति से नहीं पाया जाएगा। भगवान ऐसा भक्त को पास कभी नहीं अपने को देंगे। जो भगवान को सेवा करने का चाहते हैं, सुख देने को चाहते हैं, उसी को पास में नहीं जाएंगे। प्यार जो करते हैं ये लोग का ये भक्ति जो है प्यार नहीं है। वही तो वृत्ति हमारा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? हमारा दुख देने वाली वस्तु को, देने वाला वस्तु को हम क्यों प्यार करते हैं? जब मर जाएगा तब हमारे मन में दुख होता होगा, शोक होगा, कितना कष्ट होगा। ना सोने से रुपया पैसा कितना कष्ट होता है जानते बूझते हुए भी हम लोग उसी वस्तु को प्यार करते हैं और जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा करते हैं। हम उससे नाराज नहीं होते हैं, लेकिन भक्ति होने से क्या होता है हाल? भक्ति परसानुभव विरक्ति अन्यत्रिकालमान से यथा अश्रत सुष्टि पुष्टि कृतपाय अनुभास। भक्ति का वर्णन ऐसे है, जिसको भक्ति होता है वो भगवान कैसा है उसका वो मालूम भी पड़ता है। भक्ति होने से हम लोग तो भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान कैसा है हमारा मालूम है? कुछ मालूम नहीं, मालूम नहीं है। शास्त्र में वैष्णव को मुख से जो सुना है इसे हम मुख से बोलते हैं, बड़ा अच्छा है, ऐसा रंग है, ऐसा वस्त्र है, ऐसा ऐसे है,
लेकिन मैं अपना मालूम करके आंख से इंद्रिय से बनते हैं, नहीं देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, वो लोग को बात मान के हम मुझसे बोलते भगवान जैसे हम बोल देंगे। तो मेघ जैसा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा बड़ा ऐसा मुंह से बताइए, लेकिन कैसे सुंदर है मालूम के बोलते हैं कोई हम लोग, इसका मालूम है उसे बोलना और मालूम ना करके बोलना बराबर होगा। जब वास्तव में जिसका भक्ति हुआ है उसका भगवान कैसे है उसका मालूम हुआ है, परेशान अनुभव हुआ है, भक्ति परेशान अनुभव साथ साथ उनका होगा और क्या होगा, भक्ति परेशान अनुभव विरक्ति अन्यत्र, भगवान छोड़ करके दूसरा वस्तु का ऊपर आसक्ति नहीं विरक्ति है। हम लोग सब भगवान छोड़ करके दूसरा वस्तु में आसक्त है, ये दुनियादारी का वस्तु में कौन कामिनी प्रतिष्ठा इसमें हम लोग आसक्त रहे हैं। तो हम लोग भक्ति बड़ा भक्ति यदि बोले हम बड़ा भक्त हो गया है, अच्छा भक्त तो हुआ है, देखा जाए 10-20 लाख रुपया सामने में हम यदि रखे, नहीं नहीं वो हमारा नहीं लेगा, हम नहीं छूटते हैं बोलेंगे, लेकिन शिष्य को बोल दिया है ये देखो हम नहीं लेगा तुम तो उठा रखो, ऐसे है हम लोग कपट, उसकी जरूरत नहीं है। नवजोगेंद्र को यदि कहा जाए हमारा इतना रुपया है आप आए हैं आप हम लोग आपको देखते हैं क्या करेगा लेगा, बोले हम क्या लेंगे हमारा क्या जरूरत है, तुम क्या देंगे हमारा क्या अभाव है, हम लोग का अभाव से एकदम भरपूर हुआ है, और दो और दो और दो जितना देगा उतना ही दो, अभाव हम लोग का छुटता नहीं है। भक्ति होने से दुनिया का कोई वस्तु को वो चाहता नहीं लेने का लिए, ऐसे ही हालत है। देखिए ध्रुव तो भगवान ने कहे ध्रुव तुम तो हमको इतना पांडव दर्शन करने का लिए तुम कोशिश किया, तो मैं तो आ गया है तुम्हारे पास, बताओ अभी तुम क्या चाहते हो, ध्रुव और शिव को क्या कहे हैं, समाभिलाषी तब शिष्ट हम वाम अप्राप्तम देवमुनिंद्र बुझम स्वामी कृतार्थोऽस्मी काचन विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोऽस्मी वरण जाचु, हम पिता का सिंहासन में बैठने के लिए तपस्या कर रहे थे, तो ऐसा चीज हमारा उसी वक्त प्रयोजन था। 10 दिन से जो लोग फटा कपड़ा कांच ऐसे उठा के ले जाता है, तुच्छ वस्तु को उठा के ले जाता है, अगर यदि वहां पर एक ताल सोना उसको मिल जाए तो वो क्या करेगा, वो सब फेंक के सोना लेके वहां से भागेगा। स्वामी हम ऐसा तुच्छ है, पिता का सिंहासन जिसके पास इतना तुच्छ है वैसे वस्तु को लिए उस वक्त जतन कर रहे थे। वाम अपराप्तम देवमुनिंद्र बुझम देवता लोग मुनि लोग वो भी जैसे जिनको न पाते हैं ऐसा वस्तु जो आप है वो हमारा भाग में मिल गया है। कृतार्थोऽस्मि मैं धन्य हुआ है वरण जात हम तुमसे ऐसा तुच्छ वस्तु के लिए बहुत हमारा कोई क्या प्रयोजन है। तो दुनियादारी में दुनियादारी ऐसा चीज वो तो उसके पास इतना तुच्छ हो जाते हम लोग इसीलिए जानते हैं जो भक्त है जो भगवान को पाया उसको रुपया पैसा घर मुकाम स्त्री बच्चा इसी का कोई आसक्ति नहीं है।
तो भक्ति होने से भगवान को अनुभव होगा, भगवान की इच्छा है ज्ञान भर जाएगा। आज विरोधी अन्यत्र यही जो वस्तु से हम लोग आ सकता है उसमें उसका कोई भोग करने का प्रवृत्ति नहीं, प्रयोजन बुद्धि नहीं है। जो क्षत्रिय का काल है एक सांसद तीनों गुण उसको हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा। अभी भक्ति हुआ है पीछे हम लोग मेरा आसक्ति छूट जाएगी, ऐसे नहीं साथ साथ होते रहेगा। उसका उपमा क्या दिया, जथा तो सुष्टि सुष्टि खुद पाए अनुभास। एक क्षुधार्त तो व्यक्ति खुदा से बहुत कातर हो गया, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, खुदा से बड़ा कष्ट होता है। यदि उसको बोले अरे भैया हम उठाने नहीं सकते हैं, हमको एक बोझा को सीट पर उठाए, हम खाया नहीं सारा दिन, लोग तुमको उठाएगा और नहीं देगा। ऐसा ही उसका मन बहुत कष्ट पाता है। अगर उसको यदि खाना मिल जाए, एक ग्रास खा लिया, एक ग्रास का जैसा खुदा वो निवृत्ति हो जाएगा, एक ग्रास का बराबर, और संतोष भी हो जाएगा और ताकत भी साथ साथ हो जाता है। दो ग्रास का बराबर होगा, तीन ग्रास जैसे जैसे ग्रास अनुसार से जितना भक्ति होगा इतना ही बड़े सा अनुभव है विरक्ति। जाओ घर जाओ घर जाओ, भक्ति बड़े सा अनुभव हो विरक्ति, ये तीन साथ साथ होता है। अभी खाए हैं, अभी हमारा भूख तो गया नहीं, एक भी नहीं हो सकता है। अभी खाया है हमारा वो आसक्त तो जैसा खाना बिना खाना हुआ था वैसा ही है, आप लोग ये नहीं होता है। इसीलिए जिसका भगवान में भक्ति होती है उसी के साथ साथ दुनियादारी को वस्तु में प्रयोजन करना नहीं रहता है, और भगवान क्या चीज है अनुभव भी होता है उसके। ही दुनियादारी चीज का कोई जरूरत उनका मन में नहीं रहेगी, आप लोग को कोई जरूरत नहीं। अब हम मेरे पास आए हैं, मैं राजा हूँ, हमसे कोई चीज मांगने के लिए पाने के लिए आया नहीं, रुपया पैसा ऐसा आपके पास कोई जरूरत नहीं है। अगर हम देने से भी आप नहीं देंगे, हम लेके क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे। लेकिन मंगल करने के लिए ले सकते हैं, ऐसा सबसे जो ऊंची उत्तम अवस्था में रहते हैं उत्तमा भक्ति, उत्तम महाभागवत जो है वो लोग का हाल, वो लोग का पास तो कुछ जरूरत नहीं होता है भगवान को खुश करने का। लेकिन हम लोग जैसे हैं, हम लोग भगवान में तो विमुख है, वो विमुख करने के लिए उन्मुख करने के लिए शास्त्र में ऐसा ही बताया गया है कि एनर्जी मानी इज द सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी देकर के जो चीज को संग्रह करते हैं वो चीज यदि लेकर के भगवान को सेवा में कोई लगाने से दे तो वो चीज उस सुकृति बन के गण्य होगा। ऐसा सुकृति ना होने से कोई भगवान को प्यार नहीं करेंगे। सत्संग प्राप्त पूर्व ही सुकृत पूर्व संचित, जिसका ऐसा भगवान और भक्त के लिए कुछ किया है, परिश्रम किया है, एनर्जी दिया है, उसको स्वीकृति हो जाती है। देखियो एक बैलगाड़ी में माल खींचा जाता है, ये आदमी को खाने का वस्तु है कि कमरा बगड़ा जो कुछ दिन रात सारा जिंदगी को खींचते, किंतु एक लोग साधु को बैठाया
गाड़ी पर बैठ के कुछ नहीं है। ये जो हुआ है साधु को ले जाना, इसका स्वीकृति हो गया है कि भगवत अकाउंट में उसका एनर्जी जितना वो साधु को ले जाने के लिए लगा वही अकाउंट में चला गया। इसी को स्वीकृति, हम लोग भगवान को क्या करें, भगवान के सुख के लिए हम क्या एनर्जी दिए हैं। यदि एनर्जी ना दे हमसे साधु संग नहीं होने हो सकते। जिसका ऐसा एनर्जी दिया है भगवान को चरण में, एक साधु एक आदमी को पूछता है हम वहाँ कौन रास्ते से चलेंगे, हाँ बाबा इस रास्ता पर बात से भी उनका स्वीकृति हो गया। रुपया से पैसे से कपड़ा दे दिया, खाने का चीज दिया साधु को। इसीलिए साधु का सेवा इतना हम लोग का कल्याण पर है। लेकिन ऐसा कपड़ा वस्तु यदि हम एक गरीब आदमी को दिए वो स्वीकृति दे अकाउंटेंट नहीं होगा, कहे वो तो भगवान को प्यार नहीं करते हैं, वो भगवान को जानते नहीं मालूम नहीं कुछ नहीं। भगवान भी उनको साधु को जैसे प्यार करते हैं उसे प्यार उनको उनको नहीं करते। भगवान उसको दुख देते हैं, उसको पैसा नहीं देते हैं, कपड़ा नहीं देते हैं, खाने का मकान नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें देने नहीं सकते। उन्हें यदि प्यार करते हैं उसको कहे नहीं देंगे, और साधु को कहे इतना देते हैं, साधु को क्या बोले हैं। और चिंतन का मांग जी जना पुर्जी पास सके देशांगिता भी जुटता नाम युवक एवं महम महम। अरे हमको जिस हमको छोड़कर के दूसरा कोई चीज को प्यार नहीं करते हैं, हमको सेवा में ऐसे ही लग रहे हैं, कोई अनन्य भक्त जो कुछ जरूरत होगा है हम अपना बहन करके लेके जाते हैं, उसका घर मिला देते हैं दूसरा से नहीं। अर्जुन मिश्र बोल के एक ब्राह्मण दाक्षिणात्य का गीता में वही श्लोक पढ़ करके समझे कि ये कैसे होगा, भगवान आपने ये जो कर्तव्य का कर्तिवाद जो है ले जाते हैं मैं, इसे भगवान कैसे ले जाते ये नहीं, भगवान कोई से मिलाए देते हैं। इसीलिए कर्तिवाद जो बहामी अहम बहामी काट करके पॉजिटिव कर दिया, एक्टिव वॉइस से पॉजिटिव वॉइस कर दिया, बहामी अहम बाहयाम महम कर दिया, बाहयामी दूसरा से वो उसको दिलाए देते ऐसा करते बाहयाम महम करते। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी और कोई नहीं संसार में कोई आठ ठाकुर जी है। ब्राह्मण तो अपना सेवा में दिन रात ग्रंथादि अनुशीलन भगवान की सेवा ऐसे करते हैं, और ब्राह्मणी जो कुछ करते हैं रसोई वगैरह घर का सेवा का जितना काम सब करते हैं। ये दोनों मिल के ऐसे भगवान की सेवा में ही दिन रात मस्त है। लड़का लड़की ऐसा कोई झंझट नहीं है। वो गांव का आदमी सब जानता था ये बड़ा भक्त है, प्रेमिक भक्त है, तो कोई ना कोई कुछ ही पहले उनको देगा कि तब तो वो लोग कामना का लिए बना देते, कोई भीख मांगने भी उन लोग को जाने का जरूरत नहीं थी। लेकिन और घर में भी ऐसे जमा करके रखने का वृत्ति भी उन लोग को नहीं थी। तो उस लोग सब जा कोई ना कोई दे जाता है दे जाएंगे, लेकिन बहुत देर हो गया, 12 बज गया है गर्मी का दिन, कोई अभी तक तो नहीं दिया, अभी आएगा अभी आएगा, ऐसा कोई गृहिणी ऐसा विचार करके बहुत देर हो जाता है और देर तो कर नहीं पाते हैं। तो क्या करें, जाके उनको इधर पर कहेंगे जैसे आज तो कुछ नहीं घर में, आप जरा दीक्षा में जाइए, अब थोड़ा
समझ में विचार करते हैं अभी कोई आ जाएगा, ऐसा करते करते तो भूत देर हो गया, आप तो रहने नहीं सकते, ठाकुर जी उपवास रहेंगे। तो जा करके सामने में खड़ा हुआ तो उन्होंने तो ध्यान में ध्यान देते नहीं, अपना सेवा में मस्त है। थोड़ा देर बाद देख पाए उसके तो यहाँ खड़ा कहीं खड़ी कही कुछ बोलेगा बोलेंगे हाँ क्या आज तो घर में कुछ है नहीं, आरती का कोई तो कुछ नहीं दिया दिया, ठाकुर जी का किससे सेवा बनाएंगे। ओ अच्छा अच्छा और उठा उनका कपड़ा लेकर के चल पड़े फिर से मांगने कर जाने जाए जहाँ ही जाएगा वो तो जाने से हमको दे देगा, लेकिन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ लोग बोलते बाबा आज तो हमको देना नहीं है, और शौच है कोई जाता शौच है कोई जाता शौच हुआ कोई लेटा हुआ कोई मर गया ऐसा ऐसा एक रो सब बोल रहा है। ये घूमते 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 जहाँ जाए वहाँ ही ऐसे ही हाथ हो क्या हुआ है क्या ऐसा और बहुत गर्म है घूम रहा है। इतने में क्या हुआ दो लेके बहुत से चीज सामान लेकर के दर्जा में आकर के नाक कर रहा है, माता जी दर्जा पिए दर्जा पिए, माता जी जाकर के खोल दिया देखा दो को लेकर कंधा में ऐसे बहुत से सामान आटा घी चाल दाल वगैरह लेकर के एकदम पूरा और बहुत से हम पसीना निकलता है बहुत पसीना से कतर हो गई देखकर आह बाबा बहुत कष्ट हुआ इतना धूप में तुम इतना सामान लेकर के ऐसे आए। तो देखो ना मैं जी हम लोग कहें कि इतना सामान हम ले जाने नहीं सकेंगे तो ब्राह्मण हम लोग को बात नहीं माने तो उल्टा बोला नहीं ले जाने पड़ेगा बोलते हम लोग को मारा है मारा है। अरे ब्राह्मण तो ऐसा इसी नहीं है तो देखो मैं जी उनके पीठ में देखा देखा वहाँ पर दाग हुआ है आवाज हो गया ब्राह्मण तो ऐसा नहीं है आप ऐसा कैसे करें तब तो आओ नीचे तो उन तब तो मांग के वो लोग ले आए बोले बैठो बाबा बोला पाता पंखा से हवा करे आप बोलते हैं तुम लोग अभी थोड़ा छाड़ जाओ ब्राह्मण थोड़ा बाद आ जाएगा हम इन रसोई करके भगवान को भोग लगा के तुम लोग को आगे खिलाएंगे तुम लोग को यहाँ पर विश्राम करो तो छाड़ जाने बोल के लोग रसोई वगैरह करके उन लोग को खिला के घर में यहाँ पर विश्राम करने कर दिए रखा। इतना में ब्राह्मण आए बोले हाय ब्राह्मण ब्राह्मणी आज ठाकुर जी बात रहेंगे क्या कुछ नहीं मिला तो क्या बात बोलते हो ये जो दोनों लड़का से तुम इतना सामान हमको पास भेज दिया है हाँ हाँ और तुम इतना सामान वो लोग बोला यहाँ लोग नहीं ले जाने सकेंगे तुम माना नहीं तुम उसको मारा है हाँ मारा है वो कहाँ है कहाँ है बोले कहा है तो हम तो किराए के घर में वो लोग को सोने को दिया है सो रहा है चल 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 जल्दी गया जाकर के घर में कुछ देख नहीं पाए और अपूर्व एक गंध से घर भरा हुआ है रोते रोते एकदम मूर्छित हो गए क्या दुर्भाग्य है मैं कैसे दुर्भाग्य हूँ आज तो कितना भगवती हूँ तो सेवा भी किया दर्शन किए सब कुछ किए मुझे दर्शन भी नहीं मिले लेकिन हम अपराध भी किए उनको मारा है सच मुझ मारा है हम गीता है उनको श्रीअंग है उसमें हम जो काट दिया है वही है उनके शरीर में मारा हुआ। तो देखिए तो अनन्य चिंतन तमाम जी जनाप उपासती हम छोड़ कर दे और कोई तो जानता नहीं है ऐसा विचार से जो हमारा शरण लेके हमको भक्ति करते हैं तो खाने नहीं पाएंगे घूमते हाँ प्रतिज्ञा नहीं नामे भक्त पुनस्वती तो भी तो हम लोग उनको शरण नहीं लेते हैं लेकिन शुद्ध भक्त खाने मिलेगा भगवान
खाने देंगे, एक विचार से उनको भक्ति नहीं करते हैं। वो भी भोग है, भगवान से हम खाना मिलेगा इसलिए हम भक्ति करते हैं, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन वो ना जाने से भी भगवान उनको ऐसा ही देते हैं। तो हम लोग किस विचार से भगवान को सेवा करते हैं बताइए? खाली उनसे लेने का चाहते हैं, विरोधी को तो है ही नहीं, और खाने बिना खाना वो मरेगा ही नहीं भक्त लोग। उनको इतना आता है वो क्या करे, भगवान की सेवा में चढ़ाते हैं। और गरीब आदमी वो मांग के भी उसका पेट उड़ाने नहीं सकते, ऐसा फर्क हो जाता है। भगवान उनको दुख देते हैं तो हम देने से भी उसका वो नष्ट हो जाता है। भगवान उनको प्यार नहीं करते, और जो अनन्य भाव भगवान को भक्त है उसको इतना ही देते, यही है भगवान की स्वभाव। जे जथा मान उपस्थे तम स्पष्ट भगवान। तो क्या हम तो भी भगवान को प्यार नहीं करते? मधुसूदन ये ध्रुव ने उसे बोला, हमारा तो जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं चाहते हैं तुमसे आओ। प्रहलाद जी भी ऐसे ही कहे नृसिंहदेव को, तुमसे हम क्या कुछ पाने के लिए तुमको हम सेवा करते हैं? नहीं, हम तुम्हारा ऐसा तो कोई सकाम भक्त नहीं है, हमें जरूरत नहीं, नहीं तुमको लेना ही पड़ेगा, हमारा दर्शन ऐसा विफल नहीं होगा। बोले ऐसा ही यदि तुम जबरदस्ती हमको लेने की कहो तो वैसे हमको भर दो, जैसे हमारा अंदर में कभी कामना का उद्रेक ना हो, हमारा कामना जैसे हमारा हृदय में कुछ उद्रेक ना हो जाए। ध्रुव बोला, तुम हमको ठगलाया, हमको भी तुम ठगलाया, लेकिन ऐसे जो हाल भूकंप होने से तब हम लोग भगवान को शुद्ध भाव से प्यार कर सकते हैं। बताइए हम लोग किस हाल से भगवान करते हैं? कौन विचार से भगवान से हमारा सुख पाए मिलने के लिए, ना भगवान के लिए हमारा जो कुछ है सब देने का लिए हम लोग डिवोट करने के लिए भगवान को ऐसा करते हैं ना? भगवान हमको देव क्या हम देते हैं भगवान को? भगवान के लिए हम क्या देते हैं? आज सारा दिन भर वो जो तो खाने का बनाया अपना खाएंगे तो उसे पत्र उसको दे करके मंत्र बोल करके बस दे दिया। जानते हैं भगवान तो नहीं खाएंगे, सब रहेगा हम खाएंगे। अगर तो भगवान खाए तो आज तक दूसरे दिन नहीं चढ़ाएंगे, वो खा लेगा सब। तो इतना हम लोग भक्त बड़ा बड़ा हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं हमको यदि आप बताएंगे भगवान को कैसे पाया जाएगा, यदि हम उसका सुनने का लायक है तो हम लोग तो बुद्धू है, जो चीज हम चाहते हैं उसमें तो हम लोग खाली दुखी होते हैं, कष्ट पाते हैं, तो भी हम लोग चाहते हैं। कोई ज्ञानी लोग का उसे विचार हुआ है इसलिए वो नहीं चाहते हैं, वो उसे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन भक्त लोग लेने अपना भोग का लिए भी नहीं चाहते हैं, और ज्ञानी का जैसा विचार है उसे उसके साथ संबंध नहीं करेंगे, वो भी नहीं चाहते। उसका विचार है दोनों से अतीत, अपना चाहते भी नहीं छोड़ते भी नहीं, जो आते हैं सब भगवान की चीज है, भगवान की सेवा में चढ़ाते हैं, अपना भोग का लिए नहीं लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाए देते हैं। तो ईशा वस्तम सर्वम सब कुछ भगवान की भोग का वस्तु है, भगवान की सेवा में चढ़ाते हैं, निजे भोग नहीं करते हैं, भगवान की सेवा की वस्तु को भगवान को चढ़ाते हैं। वही लोग को पास यदि हम लोग कुछ मदद करें वो मेरा कल्याण हो जाएगा, भगवान की सेवा में वो लगाए देते हैं।
स्वीकृति हो जाती है। ऐसे स्वीकृति ना होने से वो साधु संघ वो ठीक से कर नहीं पाते। कर्मी ज्ञानी जो भी कुछ पास जाएगा, जैसे हमारा शरीर अच्छा रहे, बाल बच्चा अच्छा रहे, हमारा रुपया पैसा ज्यादा हो जाए, ऐसे विचार से वो लोग को पास जाएगा। ये हमारा चला जाए हमसे, जो कि साधु कहे दे, इसलिए वो लोग को पास नहीं जाए। अगर हमारा यदि घर पे ज्यादा ध्यान रहे तो हम भगवान को क्या ध्यान करेंगे, उनको लिए क्या करेंगे। तो इसीलिए कहे हैं यदि न सुत एक खम भागवत धर्म सुनने का लायक यदि हम हो तब हमको तो आप बताएंगे। यदि न सुत एक जो प्रसन्न प्रपन्न दास्यति आत्मान मुक्ति अज भगवान संतुष्ट होकर वैसे शरणागत जो शरण दिया है उनको चरण में। हम लोग क्या किसको शरण दिया है, रुपया पैसा का पहला शरण दिया है। रुपया पैसा ना होने से हम कैसे चलेंगे, कैसे चलेगा है? बिना खाना से मर जाएंगे। और क्या रुपया पैसा होने से भी होगा, तो पिता कहे माता कहो पत्नी कहो पुत्र लेखा ऐसा कहो, ये लोग ना रहने से हम लोग को कौन देखेगा। डॉक्टर ना रहने से हमको कौन देखेगा, किसका शरण लिया है, ये लोग का शरण लिया है। मार विराग भी जो इच्छा तुहारा नित्य दास प्रति दुआ अधिकार मुंह में हम लोग रोज गाते हैं, लेकिन उसमें हम प्रतिष्ठित हुआ। ये लोग का अम्बरीश महाराज का जैसे विचार, वो इतना बड़ा राजा बन के भी अम्बरीश दुर्वासा ने उसको जलाने को दिया तो वो क्या छुप हट के भागा, नहीं भागा। तो वो तो शरणागत है, प्रभु ये आपकी इच्छा ऐसी यदि हो तो हम इसमें नाराज नहीं, भागा नहीं, होने दीजिए। लेकिन सुदर्शन झट से आ गया मेरा, ऐसे शरणागत को रुख पसंद नहीं था। हम तो करेंगे हम लड़का रे क्या लड़का उरे उरे कष्टा इधर रे राम मेरे फेल लड़े बोले हम लोग चिल्लाएंगे। लड़का को पुकारेंगे, नौकर को पुकारेंगे, वो लोग रक्षा करेंगे। और वो रुक्षा भी अपना के लिए सोचता नहीं, जो कुछ होता है सभी उन्हीं की इच्छा से होता है, उन्होंने कहते हैं और हम लोग मुख से कहते हैं। हम जाकर के उनको रक्षा करेंगे, वो हमको रक्षा करेंगे, इसी का ऊपर हम लोग शरण रखा है। लेकिन जो प्रसन्न होकर भगवान आपने हम लोग चाहते हैं कभी तो नहीं आते हैं हम लोग के पास, चाहे तो न जाने से कहा हम लोग उसको काटेंगे। जैसा कोई आदमी यदि काटे कुत्ता जैसा काटता है तो हम लोग उसे काटेंगे, ये दो ताते ऐसा बोल के उनको उनको तो हैरान करेंगे। नौकर को जैसा हम लोग बोला था ऐसे करते हुए करते हुए करते, तो इसीलिए भगवान हम लोग के पास आएंगे। लेकिन जो भगवान को खाली प्यार कर उनको सुख देने चाहते हैं, वो जानते हैं, तो उसी के पास आपने खुश होकर के आप जाते हैं, ले हमको तुमको दे देता है, तुम हमें सुख चाहते हो ले। हम लोग भगवान के सुख नहीं चाहते हैं, भगवान का सुख चाहते हैं नहीं। तो इसे अधिकार होना कितना कठिन है, भक्त बनना सीधा बात है, लेकिन ऐसे ऊंची ऊंचा भक्त होना बड़ा कठिन है। उसके बाद क्या कहें, श्री नारद उवाच एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महात्मा प्रति पूज्य भगवान विद्या सदस्य निप। प्रश्न सुनकर के
नवजगन का लोग संतुष्ट हुआ, बोले इतना बड़ा सुंदर शुद्धा भक्ति का बात यहाँ पर सुन पाए। राजा जो विचार हम लोग को दिखलाया बड़ा सुंदर है, बोला बहुत अच्छा बोला है राज, तुम जो प्रार्थना किया ये प्रार्थना बहुत सुंदर है। बोल के उन लोग को ये धन्यवाद देकर क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं, मन्ने अक्तस्तित भयम् अच्युतस्य पादाम् उद्विजोपासनम् अत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर असदान भावात् विश्रांत मना तत्र निवर्तते हि। तुम पहला प्रश्न किया अच्छा क्या है सबसे, उसी का जवाब हम देते हैं। सबसे खराब क्या है, मृत्यु धंस, हम लोग वो नहीं चाहते हैं, सबसे उससे हमारा डर है, भय है। जो चीज पा करके हम लोग वो डर से और डरते हैं, तो चीज तो हम लोग का क्या अच्छा है कि डर से छुटकारा जैसे हो जाए, ऐसे ही हम लोग का सबसे अच्छा है। शुद्ध डर से छुटकारा होने से भी नहीं, डर छूट जाने से ही होगा नहीं, उससे बात ऊंचे और एक वस्तु है, वो बात एक यहाँ पर नहीं कहे। तो यदि डर ही है तब तो हमारा सुख कैसे हो, तो डर कैसे हमारा छूट जाए, हम लोग तो कैसे छूटे। मन्ने अकुतश्चित भयम्, कोई वस्तु से हमारा डर नहीं होगा, इससे हाल यदि हमारा हो तब हमारा डर नहीं लगे। उसी हाल कैसे होगा, डर हमको नहीं होगा, ऐसी अवस्था हमारा कैसे होगी। अच्युतस्य पादाम् उपासनम्, अच्युत जिनका ढंग से नहीं है, हम लोग जो चीज को प्यार करते हैं वो ढंग से होने वाला है। जब शादी दे दिया है लड़की को, वो तो मानना माना कि हमको क्या बड़ा सुंदर भाग हुआ है, लेकिन साथ साथ उसको जितना सुंदर पति मिला इतना ही उनके दुख भी साथ साथ डर भी साथ साथ आया, बिना मारे क्योंकि गारंटी तो नहीं दिया कोई, कब बढ़ेगा कोई ठिकाना नहीं है। तो पोती होने से जितना उनमें प्यार लगता है इतने डर भी बाकी चलता है, उसे लड़का होने से भी डर भी बढ़ता है, रुपया पैसा मिल जाने से ज्यादा करके साथ साथ डर भी। अभी है नहीं रुपया पैसा, हमारा डर भी नहीं है, चोर डाकू से आदि से डर नहीं, किंतु यदि हमको मिल जाए बहुत से रुपया क्या करें, कहाँ रखूंगा, कौन यहाँ से लेके भागेगा, जल ना जाए, कब क्या होगा कोई ठिकाना तो नहीं है। पानी का साथ साथ सुख होता है न डर आ जाता है, जैसे दुनियादारी में कौन चीज है इसको पाके हम लोग सुखी है, डर नहीं है, तो वो चीज कौन है, अच्युत से पादाम जो पास हम अच्युत जिसका नाच नहीं होता है और क्या जिस शांतिमय है, वही शांतिमय वस्तु को जो पाद पद्म है वही सबसे आनंदमय वस्तु है, तो उन्हीं को उपासना, उनको प्यार करना, उनको सबसे प्यारा बोल के समझ लेना, जो करना ऐसे करता है
उसी का डॉट भी नहीं होता है और वो आनंदमय वस्तु है, इसलिए उसका आनंद भी हो ना जाने से भी उसका सत्सत हो जाता है। बादाम जो उपासन मात्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे, हर समय के लिए जिसका दिमाग में उद्विग्न हुआ है क्या होगा, हम इधर आए हैं घर में क्या होता है, कह दो ये कना मुहूर्त में कोई मुहूर्त में सब कुछ का गड़बड़ कर देते, कोई ठिकाना नहीं है जिसको हम लोग प्यार करते हैं। तो ऐसा ही बोला है असतात्म भावार, असत वस्तु को क्या करना, यही है हम लोग का उद्वेग का काल। जो धान सूची वस्तु है, हम लोग इतना बुद्धिमान है, जो धन से सिर्फ वस्तु हम लोग और ज्यादा करके पाने चाहते हैं भगवान से मांगते हैं। विश्राम मना जत्र निवर्तते जी, सर्वतो भाव से है हम लोग का छूट जाता है भगवान को पार पद्म उपासना में हम लोग यदि करते हैं।